करेगा। अब तो ये हम सपने ही वहां दिखाया जा रहा था हमको कि पेपर हुआ करेगा और वहां पे आपको आपका वाइवा भी होगा। यहाँ तो हकीकत में सब कुछ हो गया दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मीकांत दीक्षित है, टाइगर की धरती पीलीभीत से बिलोंग करता हूँ। अगर आप गूगल करेंगे तो टाइगर रिजर्व है, ये भी एक टाइगर रिजर्व है, लेकिन जिस जनपद से मैं बिलोंग करता हूँ उसका नाम पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। और सबसे ज्यादा एशिया में अगर जिंदा टाइगर कहीं पाए जाते हैं तो पीलीभीत की धरती में पाए जाते हैं। और हम जिसके साथ जिसकी संगत में रहते हैं वैसे बन जाते हैं, हाँ या ना? तो हमारी यूनिट का भी नाम है रियल फाइटर यूनिट और हम लोग बिलोंग करते हैं चैलेंजर ग्रुप के फाउंडर हमारे दोस्तों। हम पिछली फीलिंग के साथ मैं दो चीजें बताना चाहूंगा, एक रात बताऊंगा एक दिन बताऊंगा। मैं अपनी बात खत्म करूंगा फिर आपके साथ, जब तक इधर से हमारे ग्रेट सर के द्वारा आदेश नहीं मिलेगा मैं मेरे हाथ में ये माइक रहेगा और जैसे उनका आदेश मिलेगा ये माइक जिसके हाथ में पहुंचना होगा पहुंच जाएगा, मैं अपनी चेयर पर पहुंच जाऊंगा। दोस्तों अभी मैंने इंटरव्यू दिया, दो बातों में मेरी आंखें नम हो गई। जानना चाहेंगे क्या? yes. हमसे पूछा गया कि आपको लगता है कि यहाँ से सारे सपने पूरे हो सकते हैं? मैंने कहा यस। बोले क्यों लगता है? मैंने कहा क्योंकि 14 साल डॉक्टरी पेशे के साथ जुड़ने के बावजूद भी कई नेटवर्किंग कंपनी के लीडरों ने आकर के हमारे अंदर नेटवर्किंग का वही प्लास्टिक वाला कीड़ा डाल दिया था। प्रैक्टिस तो कर रहे थे लेकिन प्रैक्टिस के साथ में नेटवर्किंग के कीड़ा जो अंदर आ गया उसमें काम करने का मौका मिला। लेकिन उन्होंने सिखाया तो बहुत कुछ, बताया तो बहुत कुछ, ड्रीम तो बहुत ढेर सारे जगाए, लेकिन पूरा कराने की उनकी हिम्मत को दिलेरी नहीं थी, इसलिए हम वहां पर फेल हो गए। 14 साल की हिस्ट्री मेरे साथ ये रही कि मैं 14 साल फील्ड वर्क का काम करता है, किसी न किसी इंश्योरेंस सेक्टर में भी काम किया, रियल एस्टेट में भी काम करा, अगर बात करें डायरेक्ट सेलिंग में भी पुरानी कंपनी में काम किया, बिल्कुल पागलों जैसे भूत बन करके काम करा। और भूत बन करके काम करने के बाद भी मुझे वहां पर जब लॉकडाउन लगा तब पता चला कि 1000 का मोटिवेशन हफ्ते का चेक का कुछ भी नहीं, उससे पहले लगता था 1000 का मोटिवेशन का चेक जबरदस्त है। आया ना? जब आपकी आंखों से पर्दा उठता है तब आपको पता चलता है कि सच्चाई क्या है, और जब तक आंखों से पर्दा नहीं उठता तब तक सच बात कहे जाने वाला भी व्यक्ति दुश्मन लगता है, हाँ या ना? मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ यहाँ पे बैठे हुए दो लोगों का, हमारे अमित राजपूत सर जो हमारे अप्लाई है, ग्रेट अप्लाई है, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। और अभी हमारे साथ में वो यहाँ पे नहीं है, उनके फैमिली में कुछ काम था, एक और महान लीडर है उनके लिए जोरदार तालियां। मैंने उनको प्ले लिस्ट में डाल दिया था जब उन्होंने हमको कॉल करी थी यहाँ पे ज्वाइन होने के लिए। दोस्तों सोचो मैं प्ले लिस्ट में डाल के इसको रहा था जहां से सारी खुशियां मिलने वाली थी, क्योंकि हमारी बैड फीलिंग पुरानी वाली थी, हाँ या ना? हमने उस पुरानी वाली बैड फीलिंग को लेकर के उनको प्ले लिस्ट में डाल दिया। और डॉक्टर लक्ष्मीकांत दीक्षित के घर आकर के और क्रॉस लाइन करने का और दूसरी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरे सामने बैठ के बात कर पाए, क्योंकि मैं इतना ज्यादा मोटिवेशन में रहता था कि सामने वाले की औकात नहीं मेरे सामने बैठ के बात कर पाए। तो मेरे जो दो ग्रेड सर हैं जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया डरते डरते मेरे पास आए, और डरते डरते मेरे पास आकर के जैसे उन्होंने बेल बजाई तो मैंने दरवाजा खोला। मैंने कहा मेरी एक आदत है, मेरी माँ ने मुझे सिखाई है कि बेटा सभी का सम्मान करना, एक बार दुश्मन भी आ गया ना सामने तो उसको भी एक बार सम्मान देना, और सम्मान देकर के उसकी इज्जत करना, जहां तक हो सके तो युद्ध को टालना, और सर पे आ जाए तो पीछे भागना ना, डर के मुकाबला करना, हाँ या ना? मैंने बैठाया बात किया पूरा प्लान सुना। हकीकत में उस दिन ये लगा कि पुरानी कंपनी वाले लीडर ये क्यों कहते थे कि प्लान मत देखो, वो इसलिए कहते थे कि इसके जैसा धंधा दुनिया में अब तक प्लान बने नहीं, एक बार जोड़ा टन होगा। अच्छा क्या आपको लगता है कि कंजूसी वाली ताली बजाओगे आप डायमंड बन पाओगे? और हमारी पहली मीटिंग हुई थी हमारे ग्रेट मेंटर ग्रेट हमारे अपलाइंट रोड। और मैं ये कह रहा हूं कि मेरी उम्र 47 साल की है लेकिन मेरे अपलाइंट की उम्र 28 साल की है, तो मैं तो 28 साल में हो गया ना।